हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी शाम के बज रहे हैं 5 और 2 बजे तक मैं स्कूल से आ चुका था, और जैसे स्कूल से आया तो मैंने हाथ मुंह धोए और खाना खा लिया था, और उसके बाद दीदी लोगों का व्रत और तभी मैंने तो खाना खा लिया था। तो शाम तक मैं थोड़ा अभी तक मैं थोड़ा सोया था और बाहर आके देखा था साइकिल। तो हम जाते हैं यहाँ से, मतलब गाँव से जाते हैं 2-3 किलोमीटर दूर साइकिलिंग करने। तो आज ब्लॉग की स्टार्ट मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपको मेरे ब्लॉग बहुत पसंद आ रहे हैं, तो ऐसे सपोर्ट बनाए रखना, और धन्यवाद सबको जो जो मेरे ब्लॉग देखते हैं। तो अभी मैं ब्लॉग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जैसे दीदी ससुराल जाएगी तो आपको मेरे ब्लॉग, मेरे और मम्मी के ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, तो मेरे ससुराल जाने के बाद मेरी याद नहीं आएगी तेरे को? बस बस बोल ले वो उसी दिन पता लगेगा। अभी जाते हैं हम साइकिलिंग करने। हाँ, तो अनमोल जाता है 17 साल तक या उससे आगे भी जाता है, पता नहीं। उससे आगे थोड़ा, उससे आगे मतलब किधर साइड, चोपता साइड या रुद्रप्रयाग साइड? बीच बीच में भाई 17। इसको हमने पहले बोल दिया था कि 17 खाल से ना इधर जाना है आगे ना ही पीछे जाना है। सब्सक्राइबर मिले थे मुझे सड़क में, कहाँ के पता नहीं, कहाँ के थे। थैंक यू नहीं बोला तूने उनको? बोल दिया था थैंक यू। अच्छा, ढंग से चलाना, बोला अपने रॉन्ग साइड में चलना। अपनी साइड तो चलता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, इतना ख्याल रहता है हमारा। बाकी अनमोल चलेगा साइकिलिंग करने के लिए, 17 खाल से आगे मत जाना, ठीक है? 17 खाल से रहूंगा भाई। चलो ठीक है फिर। अभी यहाँ पे हमारी माता श्री भी आ चुकी है गौशाला से दूध निकाल के। हेलो दोस्तों। हाँ, दूध निकाल के ला गई मैं, ये मत बोलना ढक रखा है, गांव का रीति रिवाज है ये दोस्तों। रीति रिवाज? रीति रिवाज तो है। हाँ, जो गढ़वाली होंगे उनको पता होगा ना दूध का बर्तन कैसे ढक के लाते हैं, और मुझे इतना खलाट हो गया इस चढ़ाई। आज मम्मी जल्दी लेके आ गई दूध क्योंकि अभी पूजा पाठ करना है। हाँ, वही तो देर हो जाएगी तब। और अभी अनमोल यहाँ से ऊपर जा रहा था ना, तो यहाँ पे देखो चींटियों की बारात जा रही है। बापरे, ये देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, हाथ उठा, ये देखो इतनी सारी बारात जा रही है चींटियों की। कहाँ जा रही है भैया? रात को जाती है बारात चींटियों की। हाँ, और सुबह वो टेंट का सामान सारते हैं। अच्छा, रात को कहाँ जाते हैं? रात को तब रहने के लिए जाते हैं ना। अच्छा अच्छा, तुझे पता है सब? सब पता है, पहले मैं चींटी था। बातें ऐसी आती ना इसके पास। बाकी अनमोल का तो आज व्रत नहीं था, क्यों नहीं लिया भाई तूने व्रत? पता नहीं, मन नहीं था। क्यों? अच्छी बीवी कैसे मिलेगी फिर? व्रत रखता तो दिन में खाता फिर पक्का। कैसे पता तुझे? पहले भी किया था ना मैंने। हाँ, एक बार पहले भी लिया था इसने, लेकिन दिन तक इसने खाना खा दिया था, है ना। क्योंकि इसकी फेवरेट दाल बनी हुई थी अरहर की। हाँ, अरहर की दाल इसकी फेवरेट है, मतलब जिस दिन वो दाल बनी होगी चाहे व्रत हो चाहे कुछ हो, ये व्रत तोड़ देता है ना। और बाकी ये व्रत इसलिए रखता है ना कि अच्छी बीवी मिलती है। कहाँ से मिलेगी तुझे अच्छी बीवी? है एक दिन तूने व्रत लिया वो भी तोड़ दिया। बुआरी भी तनिमिन तब दिया था टूटी फूटी। तो अभी शाम के लगभग 7:30 बज रहे हैं और मम्मी कर रही है पूजा की तैयारी। जैसे कि आप लोगों को पता है, मम्मी और मेरा आज सावन के पहले सोमवार का व्रत था। इस पूरे महीने, मतलब सावन में जितने भी सोमवार आते हैं, मम्मी और मेरे व्रत रहते हैं। बाकी मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है खाना बनाने की। 7:30 हो रहा है, आज मेरा पूरा डिनर बन चुका है। वैसे तो हम लोग 9 बजे तक खाना बनाते हैं और 10 बजे तक खाना खाते हैं, लेकिन आज सारा काम टाइम से हो गया है। मम्मी कर रही पूजा की तैयारी, तो चलते हैं अंदर, पूजा करते हैं, भगवान जी को भोग लगाते हैं, भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। भोलेनाथ कृपा आप सब लोगों पे भी बनी रहे। और बाकी अनमोल लगा हुआ है यहाँ पे फोन पे, क्या कर रहा तू? आरती निकालने पे। ऑनलाइन जमाना देख रहे हो, आरती की किताब ही नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रख दी। तो अनमोल अभी ऑनलाइन देख रहा है आरती। तो दोस्तों यहाँ पे करते हैं पूजा की तैयारी, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, और भोलेनाथ की कृपा हमारी यूट्यूबर फैमिली पर बनी रहे। बस यही चाहती हूँ, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, सभी लोग जितने भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं वो भी खुश रहें, मस्त रहें। यही मैं भोलेनाथ से आपके लिए दुआ मांगती हूँ। बिल्कुल। एकानन चतुरानन, एकानन चतुरानन, पंचानन नादे, ओम जय शिव ओंकार। आरती जो कोई नर गावे, बोले जो साहित्य गावे, आनंद स्वामी भजत हरा हर स्वामी, वांछित फल पावे, ओम जय शिव ओंकार। जय बोलो पितृ देवताओं की, जय हो, सब पे कृपा बनी रहे। आप लोग भी आरती लीजिए, आप लोग भी आरती लीजिए दोस्तों, आप पे भी कृपा बनी रहे। बिल्कुल। बोलो शंकर भगवान की जय।
शंभु महादेव तेरी जय भोला, त्रिजोगी नारायण तेरी जय भोला, शंभु महादेव तेरी जय भोला, त्रिजोगी नारायण तेरी जय भोला, जटा मां बाबा तेरी गंगा सजी चा, जटा मां बाबा तेरी गंगा सजी चा, महादेव तेरी जय बोला, त्रिजोगी नारायण तेरी जय बोला, माथा मां बाबा तेरू चंद सजू चा, माथा मां बाबा तेरा चंद सजू चा, अरे चंद कदा गढ़ मा तेरी जय बोला, अरे चंद कदा गढ़ मा तेरी जय बोला, शंभु महादेव तेरी जय बोला, त्रिजुगी नारायण तेरी जय बोला, शंभु महादेव तेरी जय बोला, त्रिजुगी नारायण तेरी जय बोला, बोलो भोले बाबा की जय, बोलो पार्वती मैया की जय, बोलो इष्ट देवताओं की जय, बोलो सारे पितृ देवताओं की जय, बोलो सारे स्थानीय देवताओं की जय, जय हो, तबला मास्टर की भी जय हो, और कीर्तन बोलने वाले की भी जय हो, जय हो। इस चेहरे को देख के कौन बोलेगा कि सारे दिन भूखा था? नहीं नहीं दोस्तों, व्रत के दिन तो इतना अच्छा रहता है, तो पता भी नहीं लग रहा ना, पता भी नहीं लगता कुछ नहीं, ये नहीं है, लोग तो कई लोग देखे मैंने, शाम को जल्दी बोलते खाना बनाओ खाना बनाओ, मेरा कोई मतलब, मेरे 9 दिन के नवरात्रि के व्रत रहते हैं दोस्तों, तब भी भूख नहीं रहती है, मैं तो अभी 1-2 कीर्तन बोलूंगी उसके बाद खाना खाऊं, बिल्कुल आराम से आराम से। दुनिया जलती है जलने दो, दुनिया जलती है जलने दो, खाओ पियो ऐसे करो, भगवान का भजन करो, खाओ पियो पाठ भी हो चुका है, कीर्तन भजन भी हो चुका है, आरती भी हो चुकी है, तो आप लोग जरूर बताना आपको हमारे कीर्तन भजन कैसे लगे, है ना मम्मी? जरूर बताना दोस्तों। हाँ तो मंदिर में तो आज कीर्तन कर नहीं पाए तो इसलिए मम्मी को ना कबलाहट हो रहा था, बहुत ज्यादा कबलाहट हो गया था दोस्तों कि क्या करना, अब कीर्तन नहीं है क्या करें, हम सारे दिन से व्यस्त रहे हम, वही तो घास का इंतजाम भी सुबह कर दिया था। हाँ। तो ऐसे हुआ सारे दिन की क्या करें, क्योंकि हमको आदत पड़ी हुई डेली कीर्तन करते थे, व्रत के दिन सोते भी नहीं है, इसलिए भी ऐसा हो रहा था क्या करें क्या करें, सोए भी नहीं, बस ऐसे ही बैठे रहे। तो यहाँ पे मम्मी ने सुबह भोग बनाया था, मैंने आपको बताया था, तो ये मम्मी ने बना रखा है सूजी का चूरन, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे नॉर्मली तो मतलब खाने में ये बनता नहीं है, जब पूजा पाठ होता है तभी बनता है, तो आज मम्मी ने सूजी का चूरन बना रखा है, मेरा फेवरेट, तो भगवान जी को भोग लग चुका है, अभी हम लोग भी खाते हैं इसको, मस्त करते हैं ना, आप लोग भी ले लो दोस्तों प्रसाद, ये लो। तो अभी हम लोग खाना खाते हैं, मम्मी की तो हुड़की बज गई होगी, नहीं हुड़की नहीं बजी बिल्कुल भी नहीं, मतलब व्रत के दिन इतना फ्रेश रहता है ना, माइंड भी फ्रेश रहता है, मस्त लगता है, मतलब एकदम, है ना। हाँ बस पता ही नहीं लगता भूखे हैं, भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रहे, बस यही चाहती हूँ, आप खुश रहे मस्त रहे, सबकी मनोकामना पूरी करे भोलेनाथ। ये लो प्रसाद लो, जय हो भोलेनाथ, और प्रसाद 2 बार देना चाहिए, ऐसे एक ही बार नहीं देना चाहिए, जय हो, ठीक है, ये लो, जय हो भोले बाबा की, आप सब लोगों पे कृपा बनी रहे, हम पे भी कृपा बनी रहे। तो अभी हम लोग पहले प्रसाद खा के व्रत तोड़ते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं।
तो अभी हम सब लोग यहाँ पे डिनर करने के लिए बैठ गए हैं चौक में, और हम लोग जाते हैं ना चौक में ही डिनर करते हैं ना, अच्छा लगता है हमको। क्या करें दोस्तों, ये मत बोलना बाहर पे खा रहे हैं, हमको सुकून मिलता है यहाँ पे, किसी का आना नहीं है, किसी का जाना नहीं है, वही तो एकांत माहौल है यहाँ पे। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि व्रत के दिन हमारे घर में क्या क्या व्यंजन बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है सलाद, और यहाँ पे है बूंदी का रायता, और यहाँ पे है सब्जी आलू और शिमला मिर्च की, और ये है मोटी दाल, और साथ में है रोटी की टोकरी। तो अभी हम लोग डिनर करते हैं, है ना। भूख लग गई तेरे को? हम तो ज्यादा लग गई होगी जरूर, वही तो साइकिल चला चला करके लग गई ज्यादा, साइकिल चला चला के क्योंकि इतना राउंड मारता है, कितना राउंड मारता है दूसरा तरह खाते नारी, दो तीन राउंड मार देता होगा ना। नहीं, मैं एक बात आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ, इसको बोलना थोड़ा कमेंट में कि अनमोल साइकिल थोड़ा धीमी चला, धीमी चला, पीठ भी मेरे को क्या पता, शिकायत भी आ रही है इसकी, शिकायत भी आ रही है, मुझे बहुत डर भी लगता है क्योंकि इधर साइज जाता है ना 17 साल की तरफ, तो मुझे डर लग, जब तक घर में नहीं आएगा मुझे डर लगा रहता है, वही तो सच में। ये मेरे को बोलता है कि डरती क्यों है, माँ तो माँ होती है बेटा चिंता रहती है, जब तक आए। तो अभी हम लोग डिनर करते हैं मस्त करके, देखो हमारा पहाड़ी डिनर बना हुआ है, सब चीज लगभग घर की है, दाल भी घर की है, दही भी घर की है, ककड़ी भी घर की है, अनमोल भी घर का है, और खाने वाले भी घर के हैं